दोस्तों नमस्कार, मैं सज्जन वर्मा एक बार फिर से ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम खड़े हैं मंडलेश्वर से, ये रास्ते से हम मंडलेश्वर से आ रहे हैं और नर्मदा माई मिली है रास्ते में और यहाँ पे दो नदियों का संगम लग रहा है। यहाँ पे आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। आपको यदि मालूम है यहाँ पे कौन सी नदियों का संगम है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अभी हम आगे जा रहे हैं सियाराम बाबा आश्रम और वहाँ का भी आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। अभी ये देखिए आप कैसा संगम है और किस तरीके से एक साइड से मिट्टी वाला पानी आ रहा है और एक साइड से बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। देखिए आप, इधर देख सकते हैं आप, पूरा मिट्टी वाला पानी है और ये बांध जैसा दिख रहा है सामने से, पूरा खुला है अभी। और ये जो इधर से आ रहा है, ये जो इधर से एक धारा आ रही है, ये पूरा साफ पानी है। आप देख सकते हैं दोनों पानी यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है। पुल पूरा हिल रहा है, ट्रक निकल रहे हैं तो देखिए आप। आगे चल के आपको बताते हैं सियाराम बाबा आश्रम। करीब आधे से एक किलोमीटर आगे आने के बाद आपको लेफ्ट टर्न करना पड़ता है। हमें गूगल ने इस कच्चे रास्ते पे मोड़ दिया था, लेकिन ये आगे जाके वापस मेन रोड पे इसने मुझे हमें पहुंचा दिया था। वहां से फिर से लेफ्ट टर्न किया था और आगे जाके हम सियाराम बाबा के आश्रम पहुंचे थे। ये वही नदी है जो नर्मदा जी में जिसका संगम हो रहा था, ये इधर से आ रही है। ये पुल के एक साइड का फ़ोटो है और ये दूसरी साइड का फ़ोटो है। ये आगे जाके नर्मदा जी में मिल रही है। आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ, इस जगह पे संगम था नर्मदा जी से इस नदी का। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से पीपल गोंद से आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है आश्रम के लिए। हम आश्रम पहुँच गए हैं और आपको गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा करीब 300-400 मीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंदौर से इसकी दूरी लगभग 112 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इंदौर से मंडलेश्वर आना होता है और मंडलेश्वर से पीपलगोंद पहुँचना होता है और पीपलगोंद से लेफ्ट साइड में करीब 3-4 किलोमीटर अंदर जाने पर श्री सियाराम बाबा आश्रम आप पहुँच जाते हैं। दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में नर्मदा माता के दर्शन हो रहे हैं। बहुत चौड़ा पार्ट है यहाँ पर नर्मदा जी का। अब हम आपको सियाराम बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों नर्मदा परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी को यहाँ से निकलना होता है और उसकी सेवा खुद सियाराम बाबा जी करते हैं। उन्हें यहाँ पर निःशुल्क भोजन दिया जाता है और सियाराम बाबा जी खुद ही उस भोजन का वितरण करते हैं। परिक्रमावासियों को यहाँ से एक पैकेट भी दिया जाता है जिसमें दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, कपूर और अगरबत्ती और जलाने के लिए बाती दी जाती है ताकि परिक्रमावासी को आगे कहीं पर ज़रूरत पड़े तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों श्री सियाराम बाबा जी हमेशा लंगोटी पहनते हैं। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, उन्होंने आज तक कोई कपड़ा लंगोट के अलावा धारण नहीं किया। दोस्तों इनकी उम्र के बारे में अभी तक कोई पक्की तौर पे नहीं जानता है। कोई कहता है इनकी उम्र 80 साल है, कोई कहता है इनकी उम्र 130 साल है, लेकिन हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि 100 साल से ऊपर ही है बाबा जी की उम्र। दोस्तों भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय श्री सियाराम बाबा जी का जन्म मुंबई में हुआ था और उस ज़माने में उनकी 7वीं-8वीं तक पढ़ाई हुई थी और उन्होंने उसके बाद एक गुजराती सेठ के पास कम उम्र में ही मुनीम का काम करना चालू कर दिया था। उसी समय पे उनको एक साधु बाबा जी के दर्शन होने के बाद उनके मन में वैराग्य और राम भक्ति जागी और उन्होंने उसी समय घर संसार त्याग कर हिमालय में तप करने के लिए चल दिए। उन्होंने कितना साल तप किया, कहाँ किया, उनके गुरु कौन है, यह सब बातें कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उनको हिमालय में तप साधना के दिनों में किन किन महान ऋषि मुनियों और सन्यासी लोगों ने दर्शन और अनुग्रह दिया इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। यह बातें आज तक सियाराम बाबा जी ने किसी को भी नहीं बताई है। आज भी उनको पूछने पर वो एक ही बात बोलते कि मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ मज़ा देखता हूँ। दोस्तों इनके बारे में यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब 50-60 साल पहले जब वो युवावस्था में थे, जब वो यहाँ पे आए थे और ये गांव बहुत छोटा था, उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहीं पे रहने लगे। यहीं पर उन्होंने श्री हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की। रोज़ सुबह राम नाम का जाप और रामायण का नित्य पाठ करते थे वो। ऐसा कठिन व्रत तप उपासना उन्होंने 12 साल तक की। इस 12 साल के दौरान उन्होंने मौन व्रत धारण किया था और किसी से कुछ भी बात नहीं की थी। गांव वालों को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये बाबा जी कौन है, कहाँ से आए हैं। 12 साल बाद सियाराम बाबा जी ने
मौन व्रत तोड़ा और पहला शब्द वो बोले सियाराम। तब से गांव वाले उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कई बार यहाँ नर्मदा जी में बाढ़ का पानी ऊपर पूरे गांव में आ जाता है और पूरे गांव के जो घर है वो डूब जाते हैं। गांव वाले उस हालत में गांव को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, लेकिन सियाराम बाबूजी अपना मंदिर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। माँ नर्मदा जी के बाढ़ में वो अपने आश्रम में बैठकर रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। जब बाढ़ का पानी पूरी तरीके से निकल जाता और गांव वाले लोग श्री सियाराम बाबा जी को देखने आते तो श्री सियाराम बाबा जी कहते हैं कि माँ नर्मदा जी आई थी, दर्शन और आशीर्वाद देके चली गई। माँ से क्या डरना, वो तो मैया है, सबकी पालनहार है। श्री सियाराम बाबा जी रोज़ सुबह नर्मदा मैया में नहाते हैं और राम नाम का जाप करते हैं और नर्मदा परिक्रमावासी लोगों की सेवा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री सियाराम बाबा जी राम भक्त हनुमान जी के अवतार हैं और इनके आश्रम में बंदर और कुत्ते आराम करते रहते हैं और उनके साथ ही रहते हैं और किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 10 साल इन्होंने खड़ेश्वरी सिद्धि की है। खड़ेश्वरी सिद्धि में साधु अपने तप के दौरान सोना जागना और कोई भी काम होता है वो खड़े खड़े ही करते हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार नर्मदा माँ में बाढ़ आ गई और जल स्तर इतना बढ़ गया कि पानी उनकी नाभि तक आ गया था, लेकिन सियाराम बाबा एक क्षण को भी नहीं हटे, डटे रहे। और जब गांव वाले उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बोला नर्मदा मैया आई थी, आशीर्वाद देके चली गई। दोस्तों, हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इन्हें 2000 का नोट दे दो, 500 का दे दो या 100 रुपये का दे दो, ये केवल 10 रुपये लेते हैं और बाकी का पैसा पूरा आपको वापस कर देते हैं। बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ आए, उन्होंने भी बहुत सारा इनको दान दिया, लेकिन उनसे भी इन्होंने केवल 10 रुपये लिए दान स्वरूप और बाकी के पैसे वापस कर दिए। दोस्तों, इनका आश्रम बांध के डूब क्षेत्र में आता है और उन्हें मुआवजे के रूप में यहाँ पे करीब 2.5 करोड़ रुपये मिले थे, तो वो भी उन्होंने नांगलवाड़ी मंदिर बनवाने में अपनी ओर से दान में दे दिए थे। ये होते हैं असली संत। अभी आपने सियाराम बाबा जी के दर्शन किए, आपने उनके बारे में पूरी जानकारी ली। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में उसको शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट जय श्री राम का ज़रूर करें, जिससे हमें लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये 50 साल पुरानी सियाराम बाबा जी की फ़ोटो है। मिलते ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।